अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? वेल, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दोस्तों हम बात करते हैं ऑटोमोटिव पे। ऑटोमोटिव एक वो चीज़ है जिसके बारे में काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चंस जो लोगों ने पूछे हैं, मैंने पूछा था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। तो ऑटोमोटिव एक ऐसी चीज़ थी कि जिस पे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए, तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी। तो मैंने कहा चलो मैं ऑटोमोटिव पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ऑटोमोटिव बेसिकली है क्या चीज़ और ऑटोमोटिव आप कैसे कर सकते हैं, इसका ड्यूरेशन कितना है, इसकी फ़ी कितनी है, ये कितने साल का है और इसके आपको फ़ायदे क्या हैं, इस क्या इट्स लीड टू पीआर है अभी कि नहीं। तो जो चीज़ें मैंने कमेंट्स में पढ़ी उसको सब देख के मैंने ऑटोमोटिव के ऊपर कुछ वर्कआउट किया। मैं वो आपको बताता हूँ कि ऑटोमोटिव बेसिकली है क्या चीज़। हमने ऑटोमोटिव कहते किसको और क्या चीज़ है। बेसिकली ऑटोमोटिव है ऑटो मैकेनिक, जो गाड़ियों के मैकेनिक होते हैं। लेकिन ऑटोमोटिव के अंदर खाली गाड़ियों के मैकेनिक नहीं है, ऑटोमोटिव के अंदर आपके पास ऑटो मैकेनिक्स हैं, हैवी डीजल मैकेनिक्स है, लाइट मैकेनिक्स है और मोटर मैकेनिक्स है। ये डिफरेंट फील्ड ऑटोमोटिव के अंदर। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ऑटोमोटिव में आपको एडमिशन कैसे लेना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप पाकिस्तान से डायरेक्ट किसी भी ट्रेड कोर्स में नहीं आ सकते। ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान से आप डायरेक्ट किसी भी ट्रेड कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपको पाकिस्तान से हायर लेवल एजुकेशन पे आना पड़ता है। तो बेसिकली उसके लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, उसके लिए स्टूडेंट ये करते हैं कि अगर आप बैचलर में आ रही हैं, मास्टर्स में आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके अपना एक सेमेस्टर कंप्लीट करके आप चेंज कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल आप चेंज नहीं कर सकते, आपकी सब क्लास आपको अलाउ नहीं करती चेंज करने के लिए। लेकिन सम हाउ आप जो है वो क्या कहते हैं कि आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। मेरी नज़र में मेरे जानने वाले, मेरा कज़न जो यहाँ पे रहता है वो खुद ऑटोमोटिव कर रहा है, मेरे सारे दोस्त जो हैं वो सारे ऑटोमोटिव कर रहे हैं, उन्होंने अपनी हाई डिग्री में थे लेकिन ऑटोमोटिव कर रहे हैं। तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं कि वो बिजनेसमैन नहीं बनता जब तक वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, मार्केट में पैसा नहीं फेंकता, वो बिजनेसमैन नहीं बनता। तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो बिल्कुल ये ठीक, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई आप लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस पर इतने ज़्यादा मैंने आज तक अपने 4 साल के करियर में ये नहीं देखा कि भाई किसी ने अपना कोर्स चेंज किया तो उसको डिपोर्ट कर दिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं, हाँ मुश्किल है लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन क्या कहते हैं कि जब आपको रिस्क लेना पड़े, रिस्क लेते हैं तो आपको उसके फ़ायदे भी नज़र आते हैं। सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ कि आप पाकिस्तान से डायरेक्ट किसी भी ट्रेड कोर्स में नहीं आ सकते। ये क्वेश्चन बार बार मत पूछें, आप नहीं आ सकते। आप या तो बैचलर में आ रही हैं, मास्टर्स में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आके आपको पहला सेमेस्टर कम्प्लीट करने के बाद आप चेंज कर सकते हैं। पहला सेमेस्टर कंप्लीट करें, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भरा पड़ा यार, हर तरफ कंसल्टेंट बैठे हैं, जो आपको बेस्ट लगे उसके पास जाएं और ट्रेड कोर्स में चले जाएं। ऑटोमोटिव हम बात करते हैं कि ऑटोमोटिव क्या चीज़ है। देखिए, ऑटोमोटिव जो मैंने आपको बताया कि ऑटो मैकेनिक है, अब इसका ड्यूरेशन कितना है। बेसिकली ऑटोमोटिव स्टार्ट होता है सर्टिफिकेट 3 से। स्टार्टिंग आपका सर्टिफिकेट 3 से शुरू होता है। सर्टिफिकेट 3 होता है, 1 साल का कोर्स होता है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट 4 भी करना पड़ता है। अब कुछ इंस्टीट्यूट सिडनी में, मेलबर्न में, कैनबरा में, हर तरफ डिफरेंट है। कुछ आपको सर्टिफिकेट 1 और 2 दोनों 2 साल में करवाते हैं, कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपको ये दोनों सर्टिफिकेट 2.5 ईयर में, मतलब 2.5 साल में करवाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। हर इंस्टीट्यूट की डिफरेंट जो है ना उनका टाइम पीरियड है। तो ऑटोमोटिव जब आप करने जा रहे हैं तो भाई आपको सबसे पहले करना पड़ेगा सर्टिफिकेट 3। सर्टिफिकेट 3 के लिए क्या प्रोसेस है? सर्टिफिकेट 3 जो है वो आपको स्टार्ट होगा 1 साल का। अब सर्टिफिकेट 3 और 4 ऑल टुगेदर इनकी फ़ी जो है वो स्टार्ट होती है $18,000 से लेके $25,000 तक। अगेन डिपेंड करता है आप कौन सा इंस्टीट्यूट चूज़ कौन सा कर रहे हैं। हर इंस्टीट्यूट की डिफरेंट प्राइसेज हैं। सर्टिफिकेट 1 और 2 ऑल टुगेदर ये आपको $18,000 से $25,000 में पड़ेगा। अब इसका जो है सेमेस्टर पीरियड वो कितना है? सेमेस्टर पीरियड 3 महीने का सेमेस्टर पीरियड है। आपको 3 महीने के बाद दोबारा फ़ी पे करनी है। वो कैसे है कि जब आपने जैसे ही आपने इंस्टीट्यूट में जाना है, आपने पहले तो 3 महीने की फ़ी सबमिट करवानी है, प्लस $1,000 एक्स्ट्रा आपने इक्विपमेंट का देना है, क्योंकि आप जब ऑटो मैकेनिक कर रहे हैं तो वो आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। ड्यूरिंग ड्यूरेशन जो आपका सर्टिफिकेट होता है, तो वो इसका $1,000 आपके सर्टिफिकेट स्टार्ट होने से पहले ही आपसे ले लेंगे। तो भाई 2.5 ईयर का है,
ठीक है। सर्टिफिकेट 3 है जो 1 साल का है, उसके बाद सर्टिफिकेट 4 है जो 1.5 ईयर, तो ये ऑल टुगेदर 2.5 ईयर्स का जो है हो जाता है। अब और इस पे बात करते हैं कि भाई सर्टिफिकेट 3 में क्या। अब सर्टिफिकेट 3 जो है वो बेसिकली इसमें आपको थ्योरेटिकल भी प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो कुछ वीक स्टार्टिंग पे आपके होंगे, आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बताई जाएंगी, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल लैब में लेके जाया जाएगा, गाड़ी को बताया जाएगा गाड़ी को कैसे करना है, क्या सीन है क्या नहीं। 3 महीने की जो फ़ी है जो मुझे पता चली इंस्टीट्यूट से, वो $3,300 वो आपसे लेते हैं। $3,300 every 3 months आपने देनी है, $3,300 every 3 months आपने पे करनी है। और आपने सर्टिफिकेट 3 में, मतलब कि अगर आप सर्टिफिकेट 3 कर रहे हैं तो 3 मतलब 4 semester हो जाएंगे, तो एवरी 3 months के बाद आपको 2 weeks की ब्रेक होगी। उस 2 week के अंदर आपने फ़ी पे करनी है और अगले सेमेस्टर में बैठ जाना है। तो इसमें इसमें आपको थ्योरेटिकल भी बताया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट 3 कंप्लीट होगा, फिर आप रेडी हो जाएंगे सर्टिफिकेट 4 में बैठने के लिए। तो जैसे ही सर्टिफिकेट 3 ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको दोबारा फ़ी पे करनी है सर्टिफिकेट 4 की, विच इज़ $3,300 और प्लस $1,000 इक्विपमेंट का अगेन, और आपको आपको अपनी क्लास में बैठ जाना है। अब जैसे ही आप सर्टिफिकेट 3 कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद आपका प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि आपने थ्योरेटिकल आपने प्रैक्टिस कर ली है, आपको पता चल गया कि ये चीज़ है, फिर आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाते हैं, गाड़ियों के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दी जाती है कि आपने गाड़ियों का कैसे मैकेनिक बनना है। और इस दौरान आपको प्रॉपर इसके ऊपर वर्कआउट करवाया जाता है, आपको लैब्स में लेके जाया जाता है, आपको हर चीज़ के बारे में गाइडलाइन दी जाती है। बेसिकली सर्टिफिकेट 3 में आपको एवरीथिंग थ्योरेटिकल चीज़ें बताने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता है, लेकिन सर्टिफिकेट 4 में ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्कआउट होता है, क्योंकि सर्टिफिकेट 4 होने के बाद आप जो है मार्केट में कहीं पर भी जाकर जॉब कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना सर्टिफिकेट 4 में ज़्यादा वर्कआउट जो है ना वो ज़्यादा बताया जाता है। अब इसमें आपको सर्टिफिकेट 3 जो है वो स्किल लेवल पे आ जाता है। उसके बाद आपको एक और चीज़ मजे की बताऊँ कि जब आपने सर्टिफिकेट 4 करना है, तो उसके बाद आपको TR भी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये अगर मैं उस पर जाऊँगा वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वो अगली वीडियो में बाकी चीज़ें जो है वो TR कैसे अप्लाई करनी है, ट्रेड कोर्स के बाद, ऑटोमोटिव के बाद, और उसके बाद लीडिंग टू PR कैसे करनी है वो अगली वीडियो में बताऊँगा। बेसिकली इसमें मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ, चीज़ बता रहा हूँ कि भाई कि आप जो है वो ऑटोमोटिव चीज़ का, तो ऑटोमोटिव जो है वो 2.5 ईयर्स का है सर्टिफिकेट 3 एंड सर्टिफिकेट 4, जिसके अंदर आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल गाड़ियों के बारे में बताया जाएगा। अब उसके अंदर आपके पास मोटर मैकेनिक है, ऑटोमोटिव मैकेनिक और डीजल हाई गाड़ियों का जो है वो मैकेनिक है, तीनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, और तीनों की प्राइजेज में डिफरेंट है। मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये मोटर मैकेनिक का बता रहा हूँ, छोटी गाड़ियों का, जिसका $3,300 है। अगर आप बड़े ट्रक और इसका सीखेंगे तो उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी, इंस्टीट्यूट ओबियसली आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो वो ज़्यादा फी लेगा। तो अगेन आपको सर्टिफिकेट 3 करना है, फिर सर्टिफिकेट 4 करना है, फिर आपका ये ट्रेड कोर्स ख़त्म होगा और उसके बाद आप TR PR की तरफ जाएंगे। तो ये है हमारा प्रॉपर व्यू कि ऑटोमोटिव क्या चीज़ है, गाड़ियों का मैकेनिक है, जो आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट पाकिस्तान से यहाँ पे ऑटोमोटिव में नहीं आ सकते। आपको किसी भी डिग्री में आना और यहाँ पे आके अपना सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। तो बार बार बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि यार हम पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट अप्लाई आप नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली एक ऑटोमोटिव के बारे में जो मैंने व्यू देना था, इससे क्लियर हो जाएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि आपको इसके बाद TR कैसे लेनी है और PR लीडिंग टू PR कैसे हो जाएगी। तो होपफुली ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आपके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर वो स्टूडियो में होंगे, और बाकी भी जो क्वेश्चंस के आंसर वो मुझे लिंक में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।